नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी कोरियोग्राफर जिनका नाम है श्रद्धा शाह। श्रद्धा, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दी खुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से ये गिफ्ट है और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपको विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी। श्रद्धा के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। वो एक फेमस कोरियोग्राफर है अभी सूरत में फ़िलहाल, बट उनकी जो लाइफ की जर्नी है वो कैसे कोरियोग्राफर बनी और कोरियोग्राफर से लेके कहाँ तक उनका सफ़र रहा वो हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो श्रद्धा, आपका स्वागत है। और जिस तरह से पहले आपने अभी एक फेमस कोरियोग्राफर है, लेकिन आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, आपने डांस कहाँ सीखा और आपके फैमिली में कोई ऐसा था कि आप किस तरह से मतलब गए? सो सबसे पहले एक्सोटिक वेब मीडिया का बहुत ही धन्यवाद कि ऐसी एक नई चीज़ लेके आए हैं कि आत्मनिर्भर स्त्री, और वो वही है कि स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में आती है। तो आज मैं मेरी स्ट्रगल स्टोरी बताऊँगी। यामिनी जी के साथ बैठे हुए हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो आज मैं चाहूँगी कि मेरी स्टोरी से कहीं ना कहीं कोई मोटिवेट हो। तो शुरुआत करें मेरी स्टोरी की, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सो आई वॉज 3 ईयर्स ओल्ड, 3 साल की थी, और जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो मैं फ्लाइंग डिश के साथ खेल रही थी और सडनली मैंने पैर पे नीचे डिश रखी और उस पर मैं वॉक करने लगी। तो मम्मी ने बोला कि रुक जा, मैं तुम्हें थाली देती हूँ। तो परात जिसमें आटा गूंथते हैं, तो वो परात दिया मुझे और मैंने उसके ऊपर बैलेंस करके मेरा फर्स्ट डांस का स्टेप किया। देन उसको लगा कि हाँ, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ है जी। डांस मैंने शुरू किया 3 साल की उम्र में, जहाँ पे मैं भरतनाट्यम सीखती थी श्रीमती नीलाबेन रावल और श्री रीना बेन, जो सूरत में क्लासिकल डांसर के पायनियर कह सकते हैं उनके पास से। 8 साल की उम्र में मैंने अरंगेत्रम किया, दैट वाज अ लिम्का बुक रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र में भरतनाट्यम में अरंगेत्रम किया था। सो वो शुरुआत मेरी अलग थी और मैं स्टडी में भी काफ़ी अच्छी थी, बट वो जीन्स, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कहाँ मेरे घर में से, तो मेरी मम्मी एजुकेशनलिस्ट थी, वो स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनका यही मानना था कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई ज़िंदगी में कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, तुम्हें वर्सेटाइल बनना है और कभी भी कोई भी स्टेज आए तो तुम्हें उसके ऊपर खड़े रहना और वो मुश्किलों को सामना करना तुम्हें सीखना है। सो डांस के अलावा मैंने आर्ट में, दैट आर्ट एंड क्राफ्ट, जिमनास्टिक में मैं नेशनल प्लेयर थी, स्विमिंग और स्केटिंग में मैं स्टेट प्लेयर थी, कबड्डी में मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी और साथ में हुआ ये कि ड्रामा, तो ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो NSD दिल्ली से है, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। काफ़ी सारे थिएटर्स सूरत में भी किए और भरतनाट्यम की वजह से एक ग्रेस, एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। जर्नी में हुआ ये कि जैसे मैंने बताया कि मैं पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी जी। ट्विस्ट ये आया कि 10th में 0.2% की वजह से मेरा सेंटर में नंबर नहीं आया, और तब स्कूल में कंपटीशन होती कि हमारे स्कूल में से इतने ज़्यादा लोग आएंगे और वैसे, और मैं सूरत के बहुत वेल नोन स्कूल में पढ़ती थी। तो ये हुआ कि श्रद्धा इतनी सारी एक्टिविटी कर रही ना, इसीलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं रह रहा। तो अभी 2 साल के लिए पढ़ाई बंद जी। और सिर्फ एक्टिविटी, या फिर सिर्फ एक्टिविटी करो और या पढ़ाई करो। तो अभी हुआ ये कि मेरा जो मैंने गोल बनाया था, दैट वाज एस्ट्रोनॉट, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था। मैंने सब चीज़ निकाल के रखी थी जी। तब तो गूगल इतना नहीं था। तो सब के मुझे कितना एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सो मेरा एस्ट्रोनॉट का गोल फिक्स था। अब हुआ ये कि 12th में बोर्ड में नंबर लाना है साइंस में। ट्विस्ट जिंदगी में तभी आया जब 11th साइंस में मैंने, हमारे टाइम पे मेरी मम्मी बहुत सिद्धांतवादी थी, सो काफ़ी सिद्धांत से हम चलते थे। ट्यूशन तब मैंने 11th में स्टार्ट किया, सुबह 4 बजे से हम शुरू करते थे, रात को 8 बजे ख़त्म होता था, सारी एक्टिविटी बंद थी, सिर्फ पढ़ाई, और आई वॉज इन डिप्रेशन। मेरा 9 kg वजन कम हो गया, मैं 96 पे से डायरेक्ट आ गई 70% पे, और मुझे लगा अरे बाप रे, इतना मतलब मैं तो एकदम ही डफर बन गई, मुझे कुछ नहीं समझ आया। स्कूल में से काफ़ी प्रेशर आया कि नहीं तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, ऐसे नहीं चलेगा। बट वो डिप्रेशन का रीज़न कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने ही ढूंढा कि अदर एक्टिविटीज़ बंद हुई और वो चीज़ मेरे अंदर के आर्टिस्ट को
नहीं जिंदा रहने दे रही थी. देन ट्वेल्थ में आई डिसाइडेड टू चेंज माय सिचुएशन के एक स्ट्रीम बदल दो. कॉमर्स में इंटरेस्ट था नहीं तो मैंने आर्ट्स लिया. आर्ट्स मुझे साइकोलॉजी जानना था. सो ट्वेल्थ आर्ट्स में वापस एक रूल चेंज हो गया कि आप स्ट्रीम नहीं बदल सकते. तो ये सारे चेंजेस में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इशू भी इतने हुए. पापा को बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस गए. मम्मी की हेल्थ इतनी ख़राब रह गई. देन मैंने ट्वेल्थ इग्नू में से ट्वेल्थ की एग्ज़ाम दी. एस्ट्रोनॉट के सारे सपने छोड़ दिए बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरा भाई पढ़ाई करे और मुझसे एक ही साल छोटा था. डांस ऑलरेडी भगवान ने दिया था तो मैंने 18 साल की उम्र में शुरुआत की एज अ डांस टीचर स्कूल में जॉब करने की. देन मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी. कमर्शियल आर्ट्स किया मैंने और शाम को मेरे डांस क्लासेस चलते. तो श्रद्धा स्टेपर्स डांस स्कूल शुरुआत 18 साल पहले हुई. और तब वही था कि एक ऐसे स्ट्रगल शुरू की और जहाँ पे मेरे मम्मी ने मुझे आत्मनिर्भर बनाना. मम्मी स्कूल में थी, काफ़ी सारे स्कूल में उसके कॉन्टेक्ट थे. बट जब मैंने डांस क्लास शुरुआत की उन्होंने क्लियरली बोला मेरी एक भी पहचान या मेरे कोई भी तुम्हें कॉन्टेक्स्ट में काम में नहीं दूंगी, खुद का रास्ता खुद बनाओ. मुझे अभी भी याद है वो दिन के जहाँ पे मैं दुकान रेंट पे ऐसे ढूंढने के लिए गई कहाँ मेरे बजट में सेट होता है. कलर्स में 3-4 दुकान में गई कि कहाँ पे मेरे बजट में सेट होता है. मिरर में छोटे से एक शॉप ली हमने रेंट पे जहाँ पे टेपल्स डांस स्कूल किया. विद इन 6 महीने में आया ये कि एडमिशन इतने बढ़ने लगे, जगह छोटी पड़ने लगी. और तब मैंने मम्मी को बोला कि अरे कुछ हेल्प करो, कहीं और बड़ी जगह. सेम थिंग, आत्मनिर्भर बनो खुद. कहाँ तक आप मेरे उंगली पकड़ के चलोगे या फिर पापा. और पापा भी इतने स्ट्रिक्ट थे कि मैं उनको कुछ नहीं बोल पाती थी. टेपल्स डांस स्कूल की अच्छे से जर्नी शुरू हुई और नई नई चीज़ें सीखना मुझे पसंद था. सो नई डांस फॉर्म सीखी. क्लासिकल में मैं माहिर थी. वी आर द ओनली वन इन गुजरात गई जिसको 22 डांस फॉर्म आते हैं विथ टेक्निक्स. ऐसे जो 3-4 फैंसी नाम बोल देने वाले कोरियोग्राफर्स हम नहीं हैं. हमें जितनी भी टेक्निक्स आती है. और मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया दैट वाज DID, डांस इंडिया डांस सुपरमो. जी, बट ये जो जर्नी रही उससे आप काफ़ी मोटिवेट हो गई और आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है और कुछ ऐसा करना है कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें. तो कहाँ तक ये बात चलती है कि जहाँ परिवार का सपोर्ट भी तो होता है बट मम्मी ने ये चाहा कि मेरी बेटी खुद कुछ करे, वो उनके मन में था. इसीलिए आज आपको, मतलब आज आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मम्मी ने जो किया वो सही किया. एग्जैक्टली, मतलब कभी कभी वो जो एज थी मेरी 18 से 20 साल की, दैट वाज अ एडोलेसेंट टीनेज, तो कहीं ना कहीं होता था कि मम्मी पापा मुझे, हाँ मम्मी पापा मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे अकेली लड़की को ऐसे ये सब चीज़ करें. और डांस वॉज मतलब तब ऐसी चीज़ थी कि लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे डांस को. और एज अ फीमेल मतलब वो होता है कि तुरंत ही लड़की को खराब नज़र से देखना कि अगर डांसर है मतलब चलो तो उसका कैरेक्टर भी ऐसे होगा. और इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन योर डिग्निटी और कैरेक्टर. और वो तब समझ नहीं आता था. और इवन मेरी जब कॉलेज लाइफ थी तो वही हुआ कि सारी फ्रेंड्स मिलके बात करती थी, बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने जाती थी, पार्टी करती थी, मूवीज़ था. मैं कुछ भी नहीं करती थी बिकॉज मुझे वो पैसे बचाने थे, क्योंकि मैं मेरे भाई को वो देना चाहती थी कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे. कभी कभी होता है कि मैंने वो कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं की, वो मस्ती नहीं की. बट संतोष अब होता है कि वो अगर चीज़ मैं करती तो आज वो श्रद्धा नहीं होती जो अब है. अब है जी, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब आपने क्लास की शुरुआत की तब कितने, मतलब आपने अभी तक की बात हम करें, अभी तक भी आपकी क्लास कंटिन्यू है, तो कितने लोगों को आपने डांस सिखाया है? टेपल्स डांस स्कूल में 4 साल से लेके 64 साल तक के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ. और अभी तक हमने 15,500 लोगों को डांस सिखाया है. समहाउ इसमें से 300 वर्चुअल स्टूडेंट भी है जो लॉकडाउन के दरमियान हुए. कोविड का टाइम हम सबके लिए बहुत ही ख़राब था बट मेरे लिए वो एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी थी. तो मैंने 300 नए स्टूडेंट जो ऑनलाइन में उनके साथ मिली और वो भी इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज़ के लोग थे. वाह क्या बात है, मतलब एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर हम कह सकते हैं आपको. कहानी अभी आगे हम बताते हैं आपको कि जिस तरह से DID में श्रद्धा गई है वो कैसे गई और वहाँ की जो बात है, एक कहा जाए कि DID मॉम में उन्होंने पार्टिसिपेंट किया था
और उनकी जो जर्नी थी वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। DID के टाइम पे ये हुआ कि मुझ पे कॉल आया, तो मैंने माना नहीं, मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। और तभी मेरे ससुर जी की बरसी थी, सो वी वर इन मदुरई, हम वहाँ पे थे। और ऑडिशन के टाइम पे मेरा बच्चा 3 मंथ्स का था, सिजेरियन ऑपरेशन था। मेरे हस्बैंड ने जस्ट वही बोला कि तुम इतनी डांस में टेक्निकल नॉलेज जानती हो, इतने अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, अब दुनिया तुम्हें कैसे जाने, एक ट्राई तो लेते। तो मैंने बोला यार इतने छोटे बच्चे के साथ हम जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे। और डेफिनेटली वही था कि लोगों ने बोला कितने छोटे बच्चे के साथ नाचने के लिए वहाँ पर जा रही है, क्या इतना कंट्रोल नहीं रह सकता तुम्हारा। और वो मुझे डिप्रेस कर रहा था कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं माँ हूँ। और वो तब एकदम छोटा था, और वो होता है ना फर्स्ट बच्चा बहुत ही स्पेशल होता है, राइट। तो जो हाइजीन, जो एटमोसफियर उसको मिलना चाहिए, जो उसकी तहेदारी रखनी चाहिए, वो सब चीज़ की वो अंदर की माँ और डांसर फाइट कर रही थी। अब DID में गए तो सही, ऑडिशन में पास भी हो गए, 13,500 लोगों में से सिलेक्ट भी हो गए। काफ़ी सारे सूरत के, गुजरात के लोग भी थे जो ऑडिशन में क्लियर नहीं कर पाए। बस मेरी जीत वहाँ पे हो गई कि मैं जहाँ टॉप 20 में आ गई। अब मुझे सिर्फ सीखना था कि जितना टेक्निकल नॉलेज और मैं ज़्यादा ग्रास्प कर सकूँ। बट शुरुआत जो हुई वहाँ पे स्ट्रगल की, 20 घंटे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सुबह 4 बजे से 4 बजे भी हो सकता है, 6 बजे से 6 भी होता है। और इतना डांस करने की वजह से शरीर काम नहीं करता, और मैं फीडिंग करवाती थी तो कैल्शियम कहीं ना कहीं कम होता है। और मैं मेरे बच्चे को मेरे साथ रखती थी वहाँ पे सेट्स पे, रिहर्सल्स में। खाने का तकलीफ, क्योंकि वो फिक्स होता है ZTV का कि इतना 4 टाइम्स वो खाना देते हैं, टेस्ट में अच्छा लगे या ना लगे आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेमिना ही नहीं आता। और मेरा समहाउ वहाँ पे ग्रोइंग मसल में इंजरी, जो हमारे पैर को जॉइंट करते हैं वो जो मसल है वो, और मेरे टेल बोन में क्रैक आया, तो वो सेमीफिनाले में हुआ। तो तब वही था कि मेरा पैर पूरा सूजन से भर चुका था, और मेरी मम्मी वहाँ पे सेट पे रो रही है कि श्रद्धा छोड़ दो, जो भी पाना था वो पा लिया, बच्चे पे ध्यान दो, अगर तुम विकलांग हो जाओगे तो कैसे चलेगा। बट वो नशा, वो पैशन, वो पागलपन मुझे दे रहा था कि नहीं, यू कैन डू इट। मैंने कहीं ना कहीं, मुझे स्टीरॉयड्स देने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया, पेन किलर्स वैसे, बट स्टीरॉयड्स मैं इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि जब फीडिंग करते हैं तो मेरे बच्चे पे वो इफ़ेक्ट आएगा। वो ताकत पता नहीं भगवान ने वहाँ सामने से दी। और जब फिनाले हुआ, 32 फिल्म स्टार के साथ मैंने काम किया, काफ़ी सारी चीज़ वहाँ पे हमने देखी, कितने प्रैक्टिकल होते हैं लोग, क्योंकि मैं इमोशनल फूल थी, सब चीज़ मैं दिल से ले लेती थी। तो वो भी वहाँ पे धीरज सीखने मिलती है, जो गुस्सा हमारा कम हो जाता है, और सपोर्ट, डेफिनेटली लोगों का सपोर्ट कब काम में लगता है, क्योंकि वही जो लोग गाली दे रहे थे ना कि इतने छोटे बच्चे के साथ, और जब मैं जीत के आई ना वही सब लोग सेल्फी ले रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। तो ये एक छोटी चीज़ मैं यहाँ पे, विमेन जो स्पेशली फीमेल देख रहे हैं, सपोर्ट कोई नहीं देता, आपके अंदर का जो आग, जो जज्बा है ना, वही लेके आप आगे बढ़ो तो ही लोग सपोर्ट देंगे। नहीं तो कोई रेडी में नहीं, कुछ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं। कभी भी आप करना शुरू करोगे तभी लोग आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। समाज का काम है कहना, और वही समाज में अच्छे लोग भी हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करते, आपको इंस्पायर्ड करते हैं, तो हमें वो अच्छे लोगों को देखना है, वो लोगों को नहीं देखना कि जो आपके लिए पीछे कुछ भी बातें कहते हैं। और जब मैं जीत के आई, उसके बाद सेम थिंग कि मैं जी के कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो 3 साल मुझे मुंबई रहना था, बट अंदर की माँ के नहीं, बस अभी बहुत ले लिया, अभी वापस घर जाना है। सो मैं अप डाउन करती थी मुंबई, जब भी शूट होता है या कहीं ना कहीं कोई शो होता है, तो वही बच्चे के साथ मैं अप डाउन करती थी। और मेरे लाइफ के पिक पे मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी की, क्योंकि वो मेरी एज थी जी। तो ये सेम पॉइंट कि आत्मनिर्भर बन गए, कुछ अचीवमेंट हो गया, और अरे नहीं, फैमिली को मैं कैसे हैंडल करूँगी, मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। बट मैं वो भी मैनेज करना चाहती थी कि नहीं, मेरा फैमिली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं। और एक छोटी सी बात ये थी कि तब मुझे मिथुन दा ने बोला कि श्रद्धा वापस जाके डांस टीचर बनोगी, तो मैंने वही आंसर दिया कि दादा, जो चीज़ ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ में हैप्पीनेस नहीं देती, वो सिखाने में हैप्पीनेस होती है। सो आई थिंक मेरा ज़िंदगी का मकसद वही है कि नॉन डांसर्स, जिसको कुछ नहीं आता, उसको सिखाओ, और उसके चेहरे पे वो जो हल्की मुस्कुराहट होती है और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, सो दैट इज़ माय लाइफ गोल।
और स्ट्रगल में वही है कि काफ़ी हद तक पेन सहन करना पड़ता है, बहुत लोगों के ताने, बहुत सारी चीज़ जो नेगेटिव लोग हमारे ऊपर वार करते हैं, तो कोई भी चीज़ इतनी इजी नहीं होती है। और वो गुजराती में कहावत है ना कि डूंगर दूर थी रड़ियामड़ा, तो मतलब जितने भी लोग रियलिटी शो में जाना चाहते हैं वो जो हैप्पीनेस जो ग्लैमर है वो रियल सेंस में मैनेज करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, और आपके कैरेक्टर को इतना बिल्ड करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जी बहुत सही बात कही आपने, और वो भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये भी चीज़ होती है। और जब एक नारी महिला की जब बात करती है, वो भी एक शादीशुदा महिला मतलब कि मैरिड वुमन, जब ये ऐसे फील्ड में जाती है तब बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है, बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, और परिवार को देखो, अपने कैरियर को देखो, ये सबके बीच में बच्चे को देखो, उसके साथ अपने मकसद में कामयाब होना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और श्रद्धा ने ये बात प्रूव करके दिखाई है कि वो जिस तरह से DID तक पहुंची और वहाँ पे जिस तरह से स्ट्रगल की, बच्चे के साथ स्ट्रगल की, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक स्ट्रांगनेस होती है, वो एक लक्ष्य था तभी ये कर पाई। अदरवाइज़ नॉर्मल अगर कोई इंसान होता तो शायद नहीं भी कर पाता, ऐसा भी हो सकता है। और मेन थी उनकी मम्मी, मोटिवेट जो देती थी उनको कि उनके साथ साथ फिरती थी, साथ साथ रहती थी उन इनके साथ, वो भी जा रही थी। तो बहुत कुछ मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये एकदम करेक्ट बात है, और श्रद्धा ने सब कुछ किया है और आज वो एक सक्सेसफुल डांसर है, मतलब कि कोरियोग्राफर है, फेमस कोरियोग्राफर है सूरत के लिए। सूरत के लिए तो नहीं कह सकता, अभी जिस तरह से उन्होंने बात की कि ऑनलाइन में भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट उनके साथ जुड़े हैं, तो वो इंटरनेशनल भी कह सकते हैं। तो श्रद्धा आपको बहुत बहुत मुबारक, और ऐसी शुभकामनाएं हमारे चैनल की द्वारा भी आपको दी जा रही है कि आप और भी अच्छा काम करें, और भी लोगों को आप सिखाएं, और लोग जो सीखते हैं वो भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल डांसर बने, हम यही चाहते हैं। और लास्ट में जाते जाते आपकी जर्नी के बारे में आपने बताया, हमारे दर्शकों ने आज सुना होगा और सबको पता चला होगा कि रियल लाइफ जर्नी क्या होती है। और लास्ट में जाते जाते वुमेंस डे पे आपका संदेश, हमेशा कोई एक आर्ट को आप हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस बस्टर के लिए वो सबसे ज़्यादा काम में वही आता है, और वो हमें इनडायरेक्ट मेडिटेशन के लिए लेके जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल बैठी है उनको एक चीज़ बताऊँगी कि आसमान पूरा आपके लिए खाली है, तो जितना उड़ना चाहो उतना उड़िए, बट हमेशा ध्यान रखें कि आना है हमें ज़मीन पे ही, तो वो चीज़ बैलेंस करना सीखना है। और फैमिली के सपोर्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, और कहीं ना कहीं आपके विशेष, क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा है कि हम हमेशा फीमेल हमेशा ऐसे ही सोचते हैं, नहीं पहले मेरा बच्चा, पहले मेरा फैमिली, बाद में हम देख लेंगे, और फिर वो समय कभी ना कभी छूट जाता है। और नई चीज़ सीखने के लिए कभी एज मैटर नहीं करता, मेरे यहाँ पे 64 ईयर की दादी बेली सीखने के लिए आती है, तो क्या बात है? कुछ भी सीखना है, अगर आप डाउन सिंड्रोम या डिसलेक्सिया बच्चे के पेरेंट्स हैं तो भी आप डांस एज अ थेरेपी ले सकते हैं, अगर आप मेनोपोजल फीमेल है तो भी आप डांस को थेरेपी के लिए ले सकते हैं, और लोग क्या सोचेंगे कभी मत सोचिए। जी बहुत अच्छी बात कही आपने श्रद्धा, और काफ़ी लोग मोटिवेट हुए आज, और मैं भी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और जिस तरह से आपने स्ट्रगल की है, प्राउड ऑफ यू 100%, क्योंकि एक वुमन जब ये सब करती है लोगों को बहुत आसान लगता है कि ये तो आसानी से हो गया है, आसानी से हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, जो करता है उनको ही पता चलता है कि कैसे लाइफ में स्ट्रगल होती है, रियल स्ट्रगल क्या होती है वो पता चलती है जब वो बाहर निकलते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा आपने ये शो में आए आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर से विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आगे चलते हैं, विश्व महिला दिन का ये शो था एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ थी श्रद्धा शाह, जिनको DID फैम के नाम से भी जानते हैं, DID मॉम के नाम से जानते हैं, और एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर हम कह सकते हैं उसको। श्रद्धा जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका, और वापस ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं को आपको जानना है, देखना है कि जो समाज के लिए क्या करती है, अपने कैरियर को फोकस करती है, वो सब हम जानने के लिए हमारा ये शो ज़रूर देखिएगा, एक मुलाकात आत्मनिर्भर
नारी के साथ, तो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।